डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पिछले क्लास में एक न्यू चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ, गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन ये हुआ कि गोलीय सतह में एक्चुअली उत्तल लेंस हो सकता है या अवतल लेंस हो सकता है, जिससे हम लोग किसी भी किरण को, अपवर्तन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे कि किसी भी लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, चाहे वो उत्तल लेंस रहे या अवतल लेंस रहे, किसी भी लेंस से हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण कैसे कर सकते हैं, कैसे बनाया जा सकता है। चलिए आज हम लोग सीखते हैं लेंस की क्षमता के बारे में, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। तो टॉपिक देंगे लेंस की क्षमता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। अब लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं, इसको इसका फार्मूला क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे एरो देंगे, नेक्स्ट एरो लिखा जाए लेंस की क्षमता को, लेंस की क्षमता को पी से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता को पी, कैपिटल पी ना, कैपिटल पी से सूचित किया जाता है। फिर लिखेंगे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पर मीटर या डायोप्टर, डॉक्टर नहीं डायोप्टर, इसको बड़ा डी से सूचित करते हैं, प्रति मीटर या डायोप्टर ब्रैकेट में डी होता है। चले अब जो तीन पॉइंट्स लिखे हैं ना, उसके बारे में हम जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले फोकस दूरी क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी को एक्चुअली हम लोग छोटा एफ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, छोटा एफ से। लेकिन दोस्तों, अगर फोकस दूरी का व्युत्क्रम का बात करें, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब हुआ कि उल्टा, यानी कि एफ नहीं, वन बाई एफ। ठीक है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, वन बटा में एफ। ठीक है, अब वन बटा एफ तो हो गया फोकस दूरी का व्युत्क्रम, वन बाई एफ। अब क्या बोल रहा है कि जब फोकस दूरी का व्युत्क्रम कर दीजिएगा तो वही हो जाता है हम लोगों को लेंस की क्षमता, यानी कि लेंस की क्षमता बराबर वन बटा में एफ। यानी कि दोस्तों, जो लेंस की क्षमता अगर कोई भी बोलेगा कि क्या है, तो हम यही बोलेंगे कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम जो है लेंस का क्षमता कहलाता है। क्योंकि फोकस दूरी का व्युत्क्रम का मतलब एक बटा एफ, और एक बटा एफ को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, और लेंस की क्षमता को हम लोग पी से सूचित करते हैं। इसलिए लेंस की क्षमता के जगह पे हम पी डाल दिए और पी बराबर हो गया वन बाई एफ। ठीक है, याद रहेगा पी के जगह पे क्या होगा, वन बाई एफ। और वन बाई एफ कहने का मतलब क्या,
इसको प्रति मीटर फोकस हमेशा मीटर में होता है, इसलिए इसका SI मात्रक प्रति मीटर हो गया, ठीक है। और याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता जो होता है प्रति मीटर SI मात्रक होता है या डायोप्टर होता है। अच्छा, दूसरा बात कि ये किस में है, तो फोकस जो है यहाँ फोकस जो है मीटर में है, मीटर में। अगर मीटर में दिया रहेगा फार्मूला तो 1/f लगाएंगे, या हम जानते हैं ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो P बराबर एक और फार्मूला होता है 100/f। ये 100/f फार्मूला कब यूज करना है, जब फोकस जो है सेंटीमीटर में दिया रहेगा, CM में। यानी देख लो, लेंस की क्षमता का दो दो गो फार्मूला, एगो P = 1/f, एगो P = 100/f। तो 100/f कब इस्तेमाल करना है, जब जो है फोकस सेंटीमीटर में दिया रहेगा, तो 100/f से निकालेंगे, ठीक है। अगर मान लिया कि फोकस दूरी मीटर में दिया रहता है, तो लेंस की क्षमता हम कोची से निकालेंगे, 1/f से निकालेंगे, क्योंकि मीटर के लिए 1/f फार्मूला, और सेंटीमीटर में अगर दिया रहेगा तो ध्यान रहेगा 100/f करते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को भी लिख लीजिए कि कैसे हम लोग निकालते हैं। याद रखिएगा, P का जो SI मात्रक है, लेंस की क्षमता जो है हमेशा डायोप्टर में आंसर करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा जाए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जीरो पॉइंट फाइव मीटर हो तो, उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इस सवाल में क्या हम लोगों को दिया है, तो फोकस दिया है कितना मीटर, 0.5 मीटर। हम लोगों को निकालना कौन सी है, पी। तो मीटर वाला फार्मूला कौन सी है, अगर फोकस मीटर में दिया रहेगा तो P = 1/f, और सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 100/f। तो यहाँ पे f का वैल्यू मीटर में दिया है, इसलिए फार्मूला p का कौन सा लगाएंगे, 1/f। और 1/f का मतलब कौन सी, 0.5। और ये पॉइंट अगर हटेगा तो ऊपर एगो जीरो जाएगा, तो 10/5 यानी कि 2। और कौन सी, तो लेंस का क्षमता ना, तो लेंस का क्षमता 2 डायोप्टर, ठीक है। यानी डायोप्टर यहाँ पे क्यों लगाएं, क्योंकि लेंस की क्षमता हम लोगों को निकालना था। याद रखिएगा, क्षमता हम लोग निकालेंगे हमेशा डायोप्टर में ही लिखेंगे। अगर वो मीटर में दिया रहे, चाहे सेंटीमीटर में दिया रहे, चाहे कुछ भी दिया रहे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखा जाए। यदि किसी लेंस का फोकस दूरी, यदि किसी लेंस का फोकस दूरी फोकस दूरी 250 सेंटीमीटर हो तो, 250 250 सेंटीमीटर हो तो, 250 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बन जाएगा ना क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, इस बार फोकस किस में दिया है, फोकस दिया है 250 सेंटीमीटर। तो आप फोकस का 250 सेंटीमीटर वाला फार्मूला लगाइएगा कि जब फोकस जो है सेंटीमीटर में दिया रहता है, तब पी का फार्मूला 100/f, और इसको डिवाइड कर लीजिएगा, पॉइंट में आएगा डायोप्टर, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर ये बोला जा रहा है कि अगर फोकस जो है मीटर में दिया रहेगा तो 1/f, सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 100/f, ठीक है। चलिए,
तो ये आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगले क्वेश्चन लिखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर हो तो, यदि किसी लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, तो हम लोगों को दिया है क्या दिया है, ज़रा ध्यान से दीजिएगा। हम लोगों को यहाँ पे पी का वैल्यू दिया है 2.5 डायोप्टर, ठीक है। तो फोकस निकालना है, याद रहे पी का वैल्यू दिया है 2.5 डायोप्टर, एफ का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब आपका सवाल होगा सर कि अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1/f कि 100/f, तो आपकी जो इच्छा है लगाइए, हम दोनों से ही आंसर करके दिखाते हैं। आप अगर p बराबर 1/f लगाएंगे तो p का वैल्यू 2.5 इज इक्वल टू 1/f, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2.5 f बराबर में 1, इसलिए f बराबर आएगा 1/2.5। अब पॉइंट ऊपर हटेगा तो 10 और 5 दोना का 10, 5 5 25, यानी 0.4। अब यहाँ पे जो फोकस आएगा ना, इसको मीटर में रखना है, समझ में आ रहा है, इसको किस में रखना है, मीटर में ही छोड़ देना है। यानी कि अगर 1/f से निकालेंगे तो मीटर में आंसर आएगा, अगर आप p बराबर 100/f, ठीक है, p के जगह पे 2.5, 100/f, और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2.5 f बराबर में 100, f बराबर कितना होगा 100/2.5। अब पॉइंट हटेगा तो एक और जीरो जाएगा, और काटेंगे तो 400 आएगा, तो यहाँ पे 400 सेंटीमीटर होगा। तो ध्यान रहे, अगर आपको p का वैल्यू दिया रहेगा 2.5 मीटर डायोप्टर, चाहे कितना भी डायोप्टर, अगर फोकस निकाल रहेगा ना, तो दोनों में से कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन अंतर इतना ही होगा कि जब 1/f वाला से चलिएगा तो आपको मीटर में आएगा आंसर, ध्यान रहे किस में आएगा, मीटर में, और अगर सेंटीमीटर वाला में चलेंगे, ठीक है, मतलब 100/f वाला फार्मूला यूज कीजिएगा तो सेंटीमीटर में आएगा, तो उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लेंस की क्षमता, यदि किसी लेंस की क्षमता 12.25 डायोप्टर है, 12.25 डायोप्टर है, यदि किसी लेंस की क्षमता 12.25 डायोप्टर है तो फोकस दूरी ज्ञात करें, तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन हम आपको दिए हैं आप उसको ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज हम लोग लेंस की क्षमता के बारे में पढ़े कि लेंस की क्षमता क्या है, इसको किससे सूचित करते हैं, इसका ऐसा है मात्रा किससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो अगले दिन हम लोग नए टॉपिक्स को सीखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।